क्या मुख्य मार्ग जी? नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव, टीजीटी इंग्लिश, जीएमएस खेड़ा मुरार, ब्लॉक बावल, रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। आज धरने पे बैठे हुए तो मुझे सबने देख लिया, लेकिन 12 वर्षों से जो मैं एकांतवास में जो उपवास कर रहा हूँ वो किसी को ध्यान नहीं आया। आज बिल्कुल मजबूर होकर मुझे यहाँ बैठना पड़ा है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, आप सोच के देखिए, एक बच्चा 5वीं पास कर जाता है और उसको सिंपल अपना नाम नहीं लिखना आता, तो ये कमी किसकी है? और मेरे जैसे कुछ साथी अपने जो है ना, अपने नौकरी को, अपने शिक्षकताओं को अपने टॉप प्रायोरिटी पे लेते हैं और उनके साथ फिर ऐसा किया जाता है, उनकी ये ACR ACP सब खराब करी जाती है और उनको जो नुकसान जो प्रताड़नाएं ना देनी होती वो दे देते हैं। जहाँ जलील नहीं करना होता वहाँ जलील करते हैं, क्यों भाई? आज बात जब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की आई है तो ठीक है, मैंने एक एप्लीकेंट के तौर पर अप्लाई किया था, लेकिन आज मैंने सिस्टम देखा तो मुझे लगा कि मैं अपने लिए मुझे इनाम नहीं चाहिए। अब तो इस इनाम का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम का सम्मान दिलाना है, उचित लोगों को उचित हाथ में जाना चाहिए वो इनाम, यही मेरी लड़ाई है। तो अभी तक लगता है कि गलत हाथों में जा रहा है इनाम? 100% गलत हाथों में। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डिसऑनेस्ट लोगों को यहाँ से छांट के भेज देती है तो जाहिर सी बात है हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसे लोग जाएंगे, और जब ऐसे ही जाएंगे तो डिसऑनेस्ट लोगों में से, कम योग्य लोगों में से ही 45 बेस्ट टीचर छांटे जाएंगे, जाहिर सी बात है। या फिर जिन 3 लोगों के नाम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमेटी से भेजे गए हैं उनकी और मेरी उपलब्धियों की तुलना करा लीजिए। क्या आधार होता है इसमें? आधार सर कई होते हैं इसमें, आपकी जो है ना आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाती है, मोस्ट होता है कि आपका बीइंग ए टीचर आपने क्या अपना आउटपुट रहा अब तक आपका, कि आपके बच्चे किस स्तर तक पहुंचे, मुख्य तो ये होता है। इसके अलावा आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया, कितनी बार आपने मिड डे मील चार्ज रहे। ब्लड डोनेट कैसे है सर, वो 5 बार ब्लड डोनेट करते हैं कोई भी 5 नंबर लेने के लिए, उसने 6ठी बार ब्लड डोनेट नहीं किया कभी भी, इनाम मिलने के बाद उसका रिकॉर्ड देख रहे उसने कभी ब्लड डोनेट किया हो तो, या इनाम मिलने से पहले उसने कभी किया हो तो। मेन असली है ना, चाहे क्राइटेरिया कुछ भी रहता हो, असली क्राइटेरिया होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, टीचर ने क्या किया है, शिक्षक की उपलब्धियां क्या रही, उसने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या किया है, जो बच्चे उससे पढ़ के चले गए क्या वो उनके बारे में भी सोचता है, समाज को मोबिलाइज करने के लिए क्या करता है वो, समाज में उसका नैतिक कर्तव्य और क्या है। तो अभी धरना कब तक चलेगा आपका? धरना जी ऐसा है, ये कोई जितेंद्र की सोची हुई समझी बात नहीं है, हर इंसान के अंदर परमात्मा बैठता है, उन्होंने मुझे ये सूझ दी है कि आपका ये तरीका बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो संवैधानिक तरीके थे वो मैं सारे अपना चुका हूँ, 12 साल से सिर्फ प्रताड़ना मिली है मुझे, और आज ये मैं तब उठूंगा यहाँ से जब ये सिस्टम सही होने की गारंटी देगा पूरे नेशनल लेवल पे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी श्री माननीय नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक देश की असली प्रगति शिक्षा से होती है, और जबकि हम शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दे रहे, हम योजनाएं तो बना देते हैं, क्या हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फीडबैक लेते हैं उनका? योजनाएं कम बनाओ लेकिन उनको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से करो, और एक स्वतंत्र एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो ये पता लगाए कि वास्तव में ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है या नहीं। हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे कोई भी कलाम नहीं बनता, कोई भी कुछ भी बड़े स्तर पे नहीं पहुंचता, और ज़्यादातर करप्ट बच्चे बनते हैं, क्रिमिनल्स बनते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। असली कारण यही है कि उनको प्राथमिक शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं मिलती,